नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ सुरभि गोस्वामी। स्वागत है आपका आज के हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में, जहां हम बात करेंगे और याद करेंगे स्वतंत्रता संग्राम की उन भूली बिसरी नायिकाओं को, जिनमें से कईयों के काफी मशहूर होने के बावजूद भी नई पीढ़ी शायद ही उन्हें जानती होगी। हमारा देश एक मंदिर है और हम इसके पुजारी। हमें राष्ट्रदेव की पूजा में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये शब्द हमारे देश के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। जहां पूरे देश में भारत की आजादी के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में हर कोई इस आजादी के जश्न को अपने अपने स्तर और तरीकों से मना रहा है। देश के हर राज्य, जिले और कस्बे में कहीं रैलियां हो रही हैं, तो कहीं हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को आजादी दिलाने वाले अमर शहीदों को याद भी किया जा रहा है। देश को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए राजा महाराजाओं के दौर में कई स्वतंत्रता सेनानी हुए। उसके बाद 1857 की क्रांति, जो आजाद भारत के सपने और समय के साथ और जोर पकड़ता गया। अंग्रेजों की नीति के खिलाफ नरम दल, गरम दल अस्तित्व में आए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। और इन सभी वीरों की गाथा आज भी लोगों के रगों में, खून में उबाल ला देती है। लेकिन भारत एक ऐसी भूमि रही है जहाँ महिला और पुरुष ने समान रूप से अपने देश, अपनी जन्मभूमि को बचाने के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। इसी भारत की भूमि पर कई ऐसी महिलाएं भी हुईं जिन्होंने आजादी की लौ को जला कर रखा। इन वीरांगनाओं और महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। कई ऐसी दमदार महिला क्रांतिकारी भी हुईं जिन्होंने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर अपना जीवन देश के नाम लगा दिया। तो आजादी के अमृत महोत्सव के इस मौके पर आज हम आपको भारत की ऐसी 5 सशक्त महिलाओं के बारे में बताएंगे, जो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम के मैदान में कूद पड़ी और अपने जीवन की आहुति देकर अपने जन्मभूमि की रक्षा की। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, अदम्य साहस के साथ ये कहने वाली एक महिला, जो पीठ पर बच्चे को टांगे, हाथ में अपनी धारदार तलवार लिए सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों के सामने डटकर खड़ी रही और ब्रिटिश राज और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए शहीद हो गई। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो भारत के इतिहास में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का नाम सबसे ज्यादा याद किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी महिला क्रांतिकारी का नाम पूछेंगे तो सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद आता है। देश की पहली महिला क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी धरती और अपनी बेटे की रक्षा के लिए अंग्रेजों से आखिरी सांस तक लड़ाई की थी। उनका जीवन हर नारी के लिए एक मिसाल है। उनका नाम सशक्त महिला का पर्याय बन चुका है, जो किसी भी दमदार महिला के लिए उपयोग किया जाने लगा है। दूसरी महान किरदार दुर्गावती देवी, जिनको इतिहास में दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है। वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह भले ही देश के लिए फांसी पर ना चढ़ी, लेकिन उनके कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ती रहीं। उनके हर खूंखार योजना का हिस्सा बनी। शायद ही आप ये जानते हों कि दुर्गा भाभी ने बम तक बनाना सीखा था। जब देश के सपूत अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए घर से निकलते तो वो उन्हें टीका लगाकर विजय पथ पर भेजती थी। उन्हें गुलाम भारत की आयरन लेडी कहा जा सकता है, जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारकर बलिदान दिया था, वो पिस्तौल भी दुर्गा भाभी ने ही आजाद को दी थी। लाला लाजपत राय की मौत के बाद उनका गुस्सा इस कदर हावी था कि वो खुद स्कॉट को जान से मारना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। हालांकि स्कॉट की हत्या के बाद भगत सिंह की पत्नी बनकर अंग्रेजों से बचाने के लिए उनके प्लान का हिस्सा जरूर बनी। हरियाणा के अंबाला में साल 1908 में जन्मी सुचेता कृपलानी को आजाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है, लेकिन देश की आजादी के लिए उन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया था। सुचेता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रथम मोर्चे पर खड़ी थी। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की थी। भारत के विभाजन के समय हुए दंगों में भी सुचेता कृपलानी ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर कार्य किया। ज्यादातर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के पथ पर चलते हुए देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा गांधी ही याद होंगे, लेकिन कोई और भी था जिसने हर कदम पर बापू के साथ कदम से कदम मिलाया। वो थी बापू की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी।
जिन्होंने देश की आजादी के लिए ये तक भुला दिया कि महात्मा गांधी उनके पति हैं। उन्होंने बापू से पति धर्म निभाने की उम्मीद तक नहीं रखी, बल्कि खुद बापू की ताकत बनकर उन्हें संघर्ष करने के लिए हिम्मत देती रही। एक संपन्न परिवार की बेटी महात्मा गांधी के साथ आश्रम में रहने आ गई। अपने कामों से हर देशवासी की बा बन गई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, लेकिन कम ही लोग को पता होगा कि इसमें कस्तूरबा की भूमिका कितनी अहम थी। कस्तूरबा ने आवाज उठाई तो 3 महीने के लिए उन्हें जेल की सजा हो गई। जेल में भी कस्तूरबा रुकी नहीं, उन्होंने जेल में कैदियों को प्रार्थना का महत्व सिखाया। विजया लक्ष्मी पंडित एक कुलीन परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, लेकिन देश की आजादी के लिए वो भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो डरी नहीं। भारत की राजनीति के इतिहास में विजया लक्ष्मी पंडित पहली महिला मंत्री बनी। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष और स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत भी बनी। महानता की गाथा अभी सिर्फ यही नहीं रुकी, इस कड़ी में देश की और भी कई नारियां शामिल हैं, जैसे कर्नाटक के उल्लाल की रानी अबक्का ने 16वीं शताब्दी में शक्तिशाली पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। शिवगंगा की रानी बेलु नचियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। झलकारी बाई एक महिला सैनिक थी जो झांसी की रानी की प्रमुख सलाहकारों में से एक बन गई और भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में एक प्रमुख हस्ती बनकर निकली। मातंगिनी हाजरा बंगाल की एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। गुलाब कौर एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने भारतीय लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने और संगठित करने के लिए अपने जीवन की आशाओं और आकांक्षाओं का त्याग किया। चकली लम्मा एक क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने 1940 के दशक के मध्य में तेलंगाना विद्रोह के दौरान जमींदारों के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू और अपने आप में एक स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल की राज्यपाल और बाद में एक मानवतावादी बनी। बिश्नी देवी शाह जो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने उत्तराखंड में बड़ी संख्या में लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सुभद्रा कुमारी चौहान सबसे महान हिंदी कवियों में से एक थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक प्रमुख हस्ती थी। ऐसी ही तमाम महान नारियों ने हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो कुछ ऐसी थी हमारे देश की वो महिलाएं जिन्होंने अपने जीवन में अपने देश को सबसे ऊंची जगह दी और देश की आजादी में अपना पूरा सहयोग और योगदान दिया, जिसको आज भी देशवासी चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं। तो आज के हमारे इस स्पेशल शो में बस इतना ही। भारत देश की इन वीरांगनाओं की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया पब्लिक खबर की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।